उत्तर प्रदेश सरकार में एमएसएमई खादी ग्रामोद्योग और रेशम हथकरघा विभाग के मंत्री राकेश सचान ने जनपद फतेहपुर में विभागीय अधिकारियों के साथ संबंधित विभाग की संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराने के सख्त निर्देश दिए। राकेश सचान ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को ऋण दिलाकर उद्योग स्थापित कराकर आत्मनिर्भर बनाएं। प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना से परम्परागत कारीगर को प्रशिक्षण देकर टूल किट मुहैया कराई जाए। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाएं हैं और ओडीओपी की है, इनका प्रचार प्रसार हो। और जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान में हम लोग तमाम तरीके का जो ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, किट बांटते हैं, उसमें जो लक्ष्य मिले उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को जोड़ा जाए। तो जो हमारी विभाग की योजनाएं चल रही हैं उनको नौजवान जाने, जन जन तक पहुँचे, उसके लिए मेले लगाए जाएँ। तो ब्लॉक स्तर पर प्रधानों को, बीडीसी को, जिला पंचायत को और हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों को बुला के वो बैठे और मेले आदि का प्रबंध करें जिससे लोगों को मालूम चले। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि रोजगार मांगने वाले को रोजगार देने वाला बनाना है।